हमारी सरकार का हर निर्णय और हर नीति केवल केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित है और वो लक्ष्य है विकसित भारत। और इसके लिए हमारा विजन है गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का कल्याण। इसलिए विकास का हर प्रोजेक्ट गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए समर्पित होता है। शिरडी एयरपोर्ट में जो अलग अलग कार्गो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो किसानों की बहुत बड़ी मदद करेगा। इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को देश और विदेश में भेजा जाएगा। इसका फायदा शिरडी, लासलगांव, अहिल्यानगर और नासिक के किसानों को होने वाला है। ये किसान प्याज, अंगूर, सहजन, अमरूद और अनार जैसे उत्पादों को बड़े बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार जरूरी कदम उठा रही है। हमने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य के खत्म कर दिया है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। पर बॉइल चावल पर निर्यात शुल्क भी आधा हो गया है। महाराष्ट्र के किसानों का मुनाफा बढ़े इसके लिए सरकार ने प्याज पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स को भी आधा कर दिया है। हमने खाद्य तेलों के आयात पर 20% टैक्स लगाने का फैसला किया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम शुल्क को भी काफी बढ़ाया गया है। इसका लाभ किसे होगा? हमारे देश के किसानों को होगा। उन्हें सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों की ज्यादा कीमत मिलेगी। आज सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस तरह सपोर्ट कर रही है उससे महाराष्ट्र के कपास किसानों को भी बहुत फायदा होगा। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, महाअघाड़ी महाराष्ट्र को कमजोर करके सत्ता पाना चाहती है, जबकि महायुति का संकल्प महाराष्ट्र को मजबूत बनाने का है। मुझे खुशी है कि आज महाराष्ट्र एक बार फिर देश की प्रगति को नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों को इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।